बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर हसन फैशन। आप कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ नेक डिज़ाइन जो कि बहुत ही खूबसूरत है वो शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। इसके लिए ये देखें, मैंने कटिंग कर ली थी यॉक की, इसकी कटिंग करके मैंने ये 2.5 इंच, ये देखें 2.5 इंच पे मैंने कट लगा लिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितना भी हमारा होगा ना नेक, अगर बड़ा है तो आपको पता है 3 पॉइंट रखना पड़ता है, 3 इंच हम रखते हैं, तो 3 पे निशान लगा लीजिए। निशान का ये फ़ायदा होता है, जब हम ये आयरन की मदद से ये चेपी को लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चेपी हमारी, ये देखिए इधर कट पे और ये देखिए इधर कट पे आ जाएगी, तो हमारा जो नेक है वो ज़बरदस्त अटैच हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। कट लगाने से ये फ़ायदा होता है। अब मैं इसको आयरन की मदद से लगा लेती हूँ। ये देखिए हमने आयरन की मदद से नेक लगा ली है। अब हमने इसके साथ साथ जितना इजाफी कपड़ा है उसको हमने काट देना है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो नेक लगाया है बिल्कुल कट पे है। इस तरह मेरे जो नेक का बैलेंस है बिल्कुल ठीक रहेगा, नहीं तो बाज़ दफ़ा हमारा इधर इधर खुला वगैरह भी हो जाता है। तो इस तरह हमेशा आप मेजरमेंट इंची टेप से करके फिर अपना नेक अटैच किया करें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने एक ब्लैक पट्टी ली है, ठीक है। मैं ब्लैक टच करने लगी हूँ इसके साथ, तो हमने ये क्रॉस में लेनी है, ठीक है। ये देखिए क्रॉस में मैंने ली हुई है। ये लेने के बाद हमने तकरीबन इतनी चेपी या बुकरम जो कहते हैं आप, इसके यहाँ तक सिलाई आनी चाहिए ताकि हमारी जो मगजी बने वो चुड़ाई में बने। ये देखिए इसको मैं नीचे रखूँगी, ठीक है, सीधे के साथ सीधा, तो जो हमारी सिलाई है वो तकरीबन यहाँ आनी चाहिए ताकि जब मैं इधर पलटूँगी तो हमारी जो मगजी सी बनेगी वो इतनी इतनी कम से कम चौड़ी होनी चाहिए। इधर मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए मैंने ये तमाम इक्वल रखते हुए ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं हल्के हल्के कट लगाऊंगी, ठीक है, हल्के हल्के बस आपने लगाने हैं कट हम, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो उधर टर्न करने में मुश्किल ना आए, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर आपने ये देखिए ये जो मगजी है आपने इधर टर्न करनी है और कम से कम आपने इसकी चौड़ाई इतनी रखनी है, ठीक है। इतनी रखने के बाद आपने एक सिलाई इस कॉर्नर पर लगानी है ब्लैक, ठीक है, पिंक नहीं लगानी, इस कॉर्नर पे लगानी है। साथ साथ एक सिलाई आप इधर लगाएंगे टर्न करने के बाद और दूसरी सिलाई आप इधर लगाएंगे। जब आप इस तरह से लगाएंगे दो सिलाई के साथ तो देखिएगा ये कितनी खूबसूरत लगती है। जी व्यूअर्स देखें, आप गौर कर सकते हैं, ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगाई, पहली सिलाई मैंने ये लगाई, ठीक है, फिर दूसरी सिलाई कॉर्नर पर बिल्कुल लगाई, इस तरह ये इतनी चौड़ी वाली मगजी बन गई। अब इसके साथ मैं ये वाली लेस ली है, ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लेस है और ये गुलाई में टर्न भी इजीली हो जाती है। इस लेस को ऐसे रखते हुए मैं मशीन के साथ लगा लूँगी, ठीक है। ये देखिए ये टर्न भी इजीली हो जाती है, ये मिल्की लेस इसे कहते हैं, ठीक है, ये वाली लेस मैं ये लगाऊँगी। जी व्यूअर्स देखिए मैंने ये नेक पे लेस को अटैच कर ली है, लेकिन अगर आप चाहें तो सेंटर में एक सिलाई लगा सकते हैं, मैंने वैसे दो लगाई हैं, एक थोड़ी मैंने इधर रख के लगा दी थी और एक इधर रख के लगा दी थी ताकि ये पत्तियां जो हैं वो अच्छी तरह साथ लग जाएं, ठीक है। मैंने दो सिलाई लगाई हैं, अगर चाहें तो एक सिलाई से भी ये लेस लग जाएगी और ये टर्न भी ईजिली हो जाती है। इसके बाद देखें मैंने ये एक पट्टी ली, ये 1.25 इंच, ठीक है, ये चौड़ाई इसकी इतनी है तकरीबन। इसको मैंने आयरन की मदद से ये देखें इधर से मोड़ दिया और फिर इधर से मोड़ा और इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये बंद ऐसे कर दी, ठीक है। इसके बाद ये देखें हमारी ये पट्टी जो है हम इधर रखते हुए, ठीक है, ये भी क्रॉस पट्टी है, ठीक है, आपको पता है क्रॉस होगी तो फिर गुलाई करना इजी हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो आपने ये रखते हुए एक सिलाई इधर लगानी है और दूसरी सिलाई इस साइड पे लगानी है, सेम ऐसे जैसे ये डबल सिलाई के साथ हमने तैयार की है, ठीक है। आपने इसको क्रॉस है, इजीली ये घुमाई जा सकती है और ये हम इधर अटैच कर देंगे। जी व्यूअर्स देखें ये मैंने डबल सिलाई के साथ ये पट्टी लगा ली है, देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। फिर आपने आयरन के साथ इसकी सीधी साइड पे भी आयरन कर ले अच्छी तरह ताकि बैलेंस ठीक हो जाए और इसकी उल्टी साइड पे भी ज़रूर आयरन कर ले। उसके बाद इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए देखिए मैंने पर्ल मोती ली है, ठीक है। अब मैं पर्ल मोती सुई के साथ इन फूलों में लगाऊँगी,
जी व्यूवर्स देखिए, मैंने सुई के साथ ये पर्ल मोती सारे फूल में लगा दिए हैं। देखिए अब मोती लगाने की वजह से ये बेल कितनी खूबसूरत लग रही है और नेक का डिज़ाइन कितना खूबसूरत बन गया है। ये तो मैंने 8-9 साल की बच्ची का बनाया, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो इस तरह की लैस हमें बड़ी भी मिल जाती है। ये मिल्की लैस है, शिटल लैस नहीं है, ठीक है। ये मिल्की लैस है, इसी डिज़ाइन में बड़ी भी मिल जाएगी, फिर हम बड़े का नेक भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें।